काई कितना अच्छा नाच रही है। सुधा ने यह साबित कर दिया कि कला की ताकत क्या होती है। तुम बहुत खुश नसीब हो वास्तव। ये लड़की पूरे देश में तुम्हारा नाम रोशन करेगी। इसकी कला को देखते हुए हमने इसे पुरस्कृत करने का फैसला भी किया है और इसके नृत्य सीखने का सारा खर्च सरकार उठाएगी। और इसके साथ ही साथ हमने इसे स्वर्ण पदक और 500 रुपए नगद भी देने का फैसला किया है। देखा काशिबा, जिस कला को तुम बदनामी का स्रोत मानते थे, आज उसी कला ने सभी को इस बच्ची का सम्मान करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या अब भी तुम रूढ़िवादी मान्यताओं के कारण इसकी कला को नजरअंदाज करोगे? अपाहिज तू नहीं, मेरी सोच थी, मेरी समझ थी, जिसने तेरे हुनर और तेरी विद्या का अपमान किया, तेरा अपमान किया। आज तुझे नृत्य करते हुए देख मैं भी अचंभित हो गया। लग रहा था जैसे तुझमें कोई दैवी ऊर्जा है।
वासुदेव, अपने दादा को माफ कर दो वासुदेव। नहीं दादा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। एक स्त्री होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं एक दूसरी स्त्री के सपनों को समझूं, उसकी कदर करूं। पर आज तेरी प्रतिभा ने मेरे अंदर की कमी को एहसास करा दिया है सुधा। ये लीजिए काका। ये क्या कर रही तू? काका, मैं चाहती हूँ ये आप रखें। आप इस घर के मुखिया हैं। अगर इस घर का मान आपके सिर है, तो इसका सम्मान भी आपके चरणों में समर्पित होना चाहिए। हाँ दादा। मेरा पैर कैसे ठीक हुआ? क्या आपका ही चमत्कार था ना? नहीं बेटे, ये चमत्कार तुम्हारे मन की शक्ति का था। अपने सपने को खोने ना देने की इच्छा का था। याद है ना तुम्हें, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो बोलो साई बाबा की जय। साई वचन है।
बिशप बातों से मन ठीक हो सकता है, बीमारी नहीं। जागे तेरे मन में सबूरी धरा के जैसी राखे जीवन में भेंट यही साई चरण में दे दे चढ़ाए कुछ नहीं मांगे साई इनके सिवाय ओम साई ओम साई ऋषभ ऋषभ दरवाजा खोलो ऋषभ उसे रहने दीजिए सकाराम जी लेकिन ऋषभ अंदर ऋषभ की चिंता आप मत कीजिए क्योंकि अब आपका बेटा साई के हाथों में आप कौन है कहीं आप साई तो नहीं आप अंदर कैसे आए दरवाजा तो बंद था ये आप क्या कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता ना हो उसे रख के क्या फायदा नहीं नहीं आवश्यकता कैसे नहीं है ये मेरी दवाइयां हैं उस रोग की जो तुम्हें हुआ ही नहीं है हुआ कैसे नहीं है मैं बीमार हूं जब से मेरे साथ दुर्घटना हुई थी तब से मैं ऐसा ही हूं दुर्घटना तो सुधा के साथ भी हुई थी उसकी कहानी सुनी ना तुमने उसके बाद भी तुम्हें इन सब की जरूरत है आपको क्या लगता है कि मुझे ऐसे जीना अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ऐसे जी रहा हूं क्या मेरे अपने सपने नहीं थे थे मैं बाबा का व्यापार बढ़ाना चाहता था इस व्यापार को दूर दूर तक फैलाना चाहता था लेकिन अब यात्रा तो दूर मैं चार कदम चलने में भी असमर्थ हूं मेरे पैर जवाब दे देते हैं तुम्हारे पैरों ने नहीं तुम्हारे दिल ने जवाब दे दिया है तुम्हारी हिम्मत हौसले ने जवाब दे दिया है एक बार सोच बदल के तो देखो खुद को समझाओ कि तुम चल सकते हो दौड़ सकते हो सोच बदलेगी तो हालात भी बदलेंगे लेकिन कोशिश तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी ऋषभ आपको लगता है कि मैंने कोशिश नहीं की की थी बहुत कोशिश की थी देखो ऋषभ बेटा तुम्हें औसत से ज्यादा व्यायाम की जरूरत है
कोशिश करो, कोशिश करते हैं, चलो कोशिश करते हैं। उठाओ पैर, हाँ निकल, आराम से आ आ कोशिश। शाबाश। जब जब कोशिश की ऐसा लगा दर्द के मारे जान निकल जाएगी और दर्द की लहर सीधे दिमाग तक पहुंच जाती थी। और फिर वो दर्द दर्द कब बन गया इसका तुम्हें पता ही नहीं चला। एक बार मन से डर निकालकर फिर कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दर्द या तकलीफ नहीं होगी। किसी भी मुश्किल से उभरते हुए दर्द होना तो स्वाभाविक है, लेकिन यही तो हमारी परीक्षा होती है ऋषभ, कि दर्द हमसे बड़ा है या हम उस दर्द से बड़े हैं। आज इनकी सुनवाई है, पता नहीं क्या होगा अदालत में। राम कृष्ण हरी। आजी आजी, आजी आप अभी तक देवघर में क्या कर रही हैं? भगवान से बातें। आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ जी? कुछ नहीं बेटा, बस मन थोड़ा अशांत था, डर लग रहा था। जब भी मुझे डर लगता है आप जानती हैं मैं क्या करता हूँ? मैं साई से जाके मिलता हूँ और वो मेरा सारा डर दूर भगा देते हैं। नहीं साई, आपके लिए बोलना आसान है लेकिन मैंने अपनी गवाह आपके आने से पहले ही ली, इसीलिए तो मैं खड़ा हो पा रहा हूं, इसी कारण से आपसे बात कर पा रहा हूं। ये देखिए। क्या ये वही दवा है जो वैद्य जी ने तुम्हें दी थी या कोई दूसरी है? वही है, सालों से ले रहा हूं इस दवा को। बताइए कोई और दवा होती तो असर कैसे करती? एक बार पुष्टि तो कर लो। एक गोली तो छोटी है, मेरी तो गोली बड़ी बड़ी थी। ये तो चूरन है, मेरी दवा। ये है तुम्हारी दवा। फिर चूरन ने ऐसा असर कैसे दिखाया?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.